आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में भारत बंद रहा पूरी तरह फ्लॉप। भारतीय किसान यूनियन ने दुकानों को जबरिया कराया बंद। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कृषि बिल वापस लेने की मांग। विश्व पर्यटन दिवस पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पर्यटन समावेशी विकास की ओर विषय पर संगोष्ठी। डीएम ने कहा, पर्यटन के क्षेत्र में जनपद में है असीम संभावनाएं। लोगों को मिल सकता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार। मंडलक की अध्यक्षता में संपन्न हुई श्रम विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक। कुशीनगर एवं देवरिया में पंजीकरण का प्रतिशत कम पाए जाने पर जताई नाराजगी। कहा, पंजीकरण शिविर लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने के दिए निर्देश। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ भाजपा के विस्तारकों की बैठक। प्रत्येक विस्तारक को 100 नए सदस्य बनाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कौशल विकास मिशन, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं डाइट के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के दिए निर्देश। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत बुधवार को जनपद के थानों पर सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लगाया जाएगा चौपाल। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सुनी जाएगी जनता की फरियाद, समस्या का मौके पर होगा निस्तारण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं के वृहद क्रियान्वयन हेतु ग्राम प्रधानों के 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। दी गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी। डीएम ने कहा, करे गांव का विकास, जिले को बनाए मॉडल जिला। ऑपरेशन चक्रवात के तहत SPCT ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 192 वाहनों का किया ई चलान, 16 वाहनों को किया सीज। कहा, यातायात नियमों का करे पालन। सोमवार को जनपद में कोविड टीकाकरण का चला महाअभियान। कुल 238 केंद्रों पर रिकॉर्ड 84,098 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। प्रथम डोज लेने वालों में 60,901 तथा द्वितीय डोज लेने वालों में 23,197 लोग रहे शामिल। सीएम ने कहा, बदलते मौसम में बच्चों में निमोनिया फैलने का है डर। लक्षण दिखने पर सरकारी अस्पताल में कराएं इलाज, रहें सुरक्षित। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा के विस्तारकों की बैठक। कहा, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जनता का मिल रहा है लाभ। 2022 में बनेगी प्रदेश में भाजपा की सरकार। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई नागरिक सुरक्षा कोर की बैठक। आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,417। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 12 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। बैंकों में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र फेडरेशन तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में बैंक के समस्त संगठनों के कर्मचारियों द्वारा किया गया 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल। मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने रेलवे स्टेशन स्थित विद्युत कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। संविदा कर्मी पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बंद करने की मांग।